फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइनांस पे आप साइन अप कैसे करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपको बाइनांस पे साइन अप करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप साइन अप कर सकते हैं, राइट। और दूसरा होता है किसी की भी रेफरल लिंक के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू, राइट। तो मैं आपको सबसे आसान जो ईजी तरीका है वो बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से साइन अप कर सकते हैं। सबसे आसान वो तरीका है और वही आपके साथ मैं शेयर भी करने वाला हूं, और उसके थ्रू आपको 100 USDT तक, जो आपके स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं, 100 USDT तक आपको रिवार्ड भी मिल जाता है, वो ट्रेडिंग फी के शक्ल में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जैसे आप रेफरल लिंक पर क्लिक करेंगे, जस्ट जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने डायरेक्ट इस तरीका का इंटरफेस आ जाएगा। अब सीधा यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर ईमेल के थ्रू भी और मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, राइट। या नीचे आप कंटिन्यू विद गूगल, गूगल जो आईडी है, गूगल अकाउंट है, उससे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं तो विदाउट कंट्री कोड यूज़ करना है, जैसे आपके पास इंडिया का जो नंबर होता है +91 है ना, स्टार्टिंग में होता है, तो वो यूज़ नहीं करना है। किसी और कंट्री का कुछ और होता है, किसी और का कुछ और होता है, सिर्फ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर वही यूज़ करना है। यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट जो मैं रिकमेंड करूँगा वो आपको ईमेल के थ्रू आप बेस्ट वो रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके कुछ वेरिफिकेशन यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि ये फ़ोटोज़ मैच करने हैं। यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद शिप। अभी यहाँ पे शिप लिख के आ रहा है, तो आपको कुछ और भी आ सकता है, साइकिल आ सकता है, बाइक आ सकता है, कुछ भी। अब शिप दिखा रहा है तो कौन कौन से फ़ोटो पे शिप हैं वो शिप वाले सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर मुझे इतने ही दिख रहे हैं, शायद 2 ही फ़ोटोज़ पे, तो मैं सेलेक्ट किया, वेरीफाई किया, क्लिक हो गया। तो आपको कुछ भी वहाँ पर शो कर सकते हैं। क्वेश्चन कोड आया आप ईमेल पर, जो ईमेल आप डालेंगे उस पर वेरीफिकेशन मेल आ गया। वेरीफिकेशन कोड जैसे हमने डाल दिया, तो खुद ही यहाँ पर आके के लिए फॉरवर्ड हो जाता है पेज। पासवर्ड, आप कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं अपनी चॉइस से, ठीक है, मगर ख्याल रहे इसमें क्या करना है, आपने मिक्सअप कर रखना है, कुछ 1, 2, 3 में है ना, कुछ अल्फाबेट्स में, कुछ कैपिटल भी होना चाहिए, स्मॉल भी होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए, और जितना आप हो सकता है उतना ज़्यादा स्ट्रांग पासवर्ड रखें। और उसके बाद इस पास, और एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखें कि पासवर्ड ईमेल साथ साथ नोट करते चले, हमेशा कहीं ना कहीं लिख के रखें अपनी डायरीज वगैरह पे, ताकि कल को वो कहीं मिसप्लेस ना हो जाए और रिकवर करना मुश्किल हो जाए। पासवर्ड सेट हो गया, ठीक है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिट। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। पासवर्ड करें ना करें ये आपकी अपनी चॉइस से, जिसे आप चाहें उसके भी, ये आपके सामने 4 ऑप्शन देते हैं क्रिप्टो डिपॉजिट करने का, बाय करने का। ये हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किस किस तरीके से आप डिपॉजिट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक था साइन अप और KYC। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक अकाउंट क्रिएट हो गया है, सबसे पहले तो आपके यहाँ KYC कम्प्लीट करनी है। तो KYC के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में प्रोफाइल के जैसे आइकन आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए पूरा आपके ईमेल के नीचे अनवेरीफाइड शो कर रहा है, ठीक है, तो इसको वेरीफाई करना है। तो वो कैसे होगा, आपकी KYC से। तो ये इस पर क्लिक करके आप थोड़ा सा डाउन स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, और अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, IT आइडेंटिफिकेशन सेक्शन, यहाँ पर शो कर रहा है आपका कंप्लीट योर आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन। अब गेट वेरीफाइड पे आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, एक वेरीफाई विद बाइनांस ऐप, दूसरा कंटिन्यू ऑन ब्राउजर। रिकमेंडेड जो है वो है बाइनांस ऐप, वेरीफाई विद बाइनांस ऐप, ये भी सही है, या कंटिन्यू आप ब्राउजर से भी कर सकते हैं। तो इस पर आप करेंगे, तो अगर आपके पास डाउनलोडेड ऑलरेडी है तो डायरेक्ट ऐप खुलेगी, अगर नहीं है तो वहाँ पे आपको शो करेगा डाउनलोड करने के लिए। जैसे मेरे पास अभी डाउनलोडेड है तो डायरेक्ट यहाँ पे आपके लॉगिन के पेज पे सामने आ गया पेज। ऊपर मेल नहीं डालनी है, ठीक है, नीचे साइन अप एज एन एंटिटी और लॉगिन,
तो नीचे वाले पर क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। लॉग इन पर क्लिक करेंगे तो मेल यहाँ पे शो कर रहा है ऑटोमेटिकली, और नीचे नेक्स्ट पे क्लिक किया, पासवर्ड इंटर करते नेक्स्ट करेंगे, फिर से वेरिफिकेशन कोड इंटर कर लिया, और आगे ऑटोमेटिक नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली वेरीफाई करते हैं। तो कंप्लीट योर वेरिफिकेशन के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कंट्री, ठीक है, डायरेक्ट खुल गया। आपने लॉग इन करने के साथ साथ ही आप वहीं पे पहुँच जाएंगे KYC के ऊपर। तो यहाँ पे कंट्री शो कर सेलेक्ट करने के लिए बता रहा है, तो यहाँ पे भारत नीचे सजेशन में आ रहा है। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया, अगर अदर कंट्री से तो वहाँ पे आप क्लिक अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू किया, अब यहाँ पे ऑप्शन बता रहे हैं आपको, पहले सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट वेरीफाई आधार विद OTP, बट अगर आप चेंज करना चाहें तो आप आधार डॉक्यूमेंट्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, पासपोर्ट भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, जिससे आप चाहें उससे। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट के आधार, तो आधार सबके पास सही है, इसको ऐसे रहने दें और कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर आधार नंबर, ठीक है, आपका जो आधार नंबर है वो डालना है, और नीचे जो आपकी बक्स, एक बक्स में कुछ डिजिट्स, अल्फाबेट्स या कोड दिखाई दे रहा है, ये आपने यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। ये एज इट इज़, जैसे यहाँ पे कोई कैपिटल वर्ड है, कोई स्मॉल है, कोई अल्फाबेट, कोई न्यूमरिक, जो इस बक्स में आपको दिखाई देगा एग्जैक्ट वही लिखना है, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट करना है। अभी मैं यहाँ पर इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा आधार ऑलरेडी लिंक्ड है तो मैं डाल नहीं सकता। तो आप यहाँ पे डालेंगे अपना आधार नंबर, और नेक्स्ट पेज पे आपको शो करेगा आपका डिजी लॉकर, ठीक है। तो डिजी लॉकर पे वहाँ पे आपका पासवर्ड, OTP, मोबाइल पे OTP आएगा, वो OTP डालना है, और साथ में आपका पासवर्ड, जो डिजी लॉकर में आपका पासवर्ड हो वो डालना है, क्लिक करना है, राइट। और उसके बाद कंटिन्यू करते हुए लास्ट पर आपका कुछ थोड़ा सा बहुत 5-7 मिनट वो वेरीफिकेशन में ले लेता है और वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आप बैक आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे और KYC कंप्लीट करेंगे। जो यहाँ पे लिख के आ रहा है अनवेरीफाइड, आपके प्रोफाइल के नीचे यहाँ पे वेरीफाइड और ग्रीन टिक के साथ लिख के आएगा, राइट। आई होप फ्रेंड्स ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने सभी साथियों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जानकारी मिले, उन तक भी पहुँचे। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।